दोस्तों, इधर अगर आप टीवी सेट ऑन करते होंगे या अखबार देखते होंगे तो आपको एक तरह की खबरें दिखती होंगी, एक तरह की हेडलाइंस दिखती होंगी। सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड, यहां छापा, वहां छापा, बिहार में छापा, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हैदराबाद में, छापा ही छापे चल रहे हैं, जैसे छापों का देश में एक त्यौहार, एक पर्व चल रहा हो। और ईडी और सीबीआई जैसी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो एक प्रतीक बन गई हो इस त्यौहार की। और या फिर ऐसा हो सकता है कि मोदी जी ने वाकई एक संकल्प ले लिया है कि उन्हें अब भ्रष्टाचार को इस देश में जड़ से मिटा दें। और या ये भी हो सकता है कि मोदी जी इस भ्रष्टाचार की आड़ में या तलवार में जितना भी विपक्ष है उसी को खत्म करना चाह रहे हो। विपक्ष मुक्त भारत, कर्टसी सीबीआई, कर्टसी ईडी, ये भी हो सकता है। अब अगर पिछले कुछ महीने अगर हम पलट के देखते हैं तो मोदी जी ने इधर ईडी के साथ कई मीटिंग्स की हैं, ईडी डायरेक्टर के साथ, उन्होंने सीबीआई उनको भी संदेश दिया है। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, जो हमारे देश की सर्वोच्च एंटी करप्शन एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार पर नजर रखती है, उसकी एक मीटिंग में जहां पर मोदी जी ने सारे अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा मोदी जी ने कि भाई अब निर्णायक समय आ गया है, अब इस देश में हमको भ्रष्टाचार से, करप्शन से लड़ाई लड़नी होगी। और उन्होंने अफसरों से कहा कि अब आप डरिएगा नहीं, मैं साथ में हूं, आगे बढ़िए। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि यूं कहें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको फेस वैल्यू पर तो लेना ही होगा, जो वो बात कह रहे हैं उसको गंभीरता से लेना होगा। लेकिन कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि साहब मोदी जी ये जो रेड्स करवा रहे हैं सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए, दरअसल ये सब थर्ड अंपायर हैं जो मोदी जी के साथ मिले हुए हैं, और मोदी जी क्या इसके पीछे जो उद्देश्य है वो कुछ और है, वो भ्रष्टाचार जड़ से मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल इन रेड्स के जरिए, छापों के जरिए विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं और विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। उनका मकसद कुछ और है, उनका जो मोटिवेशन है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है। अब दोस्तों सवाल ये है कि सच क्या है, कि ये जो छापे हैं वाकई मोदी जी करप्शन को लेके सीरियस हैं, जो उन्होंने 2014 में कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या वाकई मोदी जी 2014 को फिर से यथार्थ में बदलना चाहते हैं, सच में बदलना चाहते हैं, और ये जो एक्शन है उनका वो देश की भलाई के लिए, और या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसके पीछे खेल कुछ और है। कर सके तो ये एक बड़ा राइट हो जाता है, और कोई भी आरोपी या विटनेस है, कोई भी इस तरह का, जी एमएलसी के घर पर रेड चल रही है, कई नाम जैसे सुनील सिंह जो कि लालू के बहुत करीबी माने जाते हैं, फयाज भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। अदानी हम ही है क्या, जहाँ 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के, अदानी तो हम ही हो गए। दोस्तों मोदी जी सिर्फ अपोजिशन पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, अपनी सरकार में उसके भीतर झांक के क्यों नहीं देख रहे, क्या उनकी सरकार में या बीजेपी में जितने भी नेता हैं अक्रॉस द स्टेट जहां जहां उनकी सरकार है, क्या सबके सब हरीशचंद्र हैं? इस पर तो हम आएंगे, और मोदी जी का मोटिव भी जानेंगे, मकसद भी जानेंगे कि चुनाव के आखिरी साल में जो उन्होंने तेजी से ये जो छापेमारी शुरू करी उसकी क्या वजह हो सकती। लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूं कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी कोई भी सरकार, कोई भी देश जब वाकई दिल से करप्शन पर हमला करना चाहती है, टारगेट करना चाहिए चाहती है करप्शन को, कि भाई भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो, तो शुरुआत हमेशा सरकार से ही होती है। सरकार में जो भ्रष्ट लोग हों, जो रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं, अब वो चाहे बड़े बड़े सेक्रेटरी हों, अधिकारी हों या मंत्री हों, उनकी बाकायदा पड़ताल होती है और उन्हीं को दबोचा जाता है और एक मैसेज दिया जाता है देश में। और हमेशा भ्रष्टाचार जब तक ऊपर से गंगोत्री से जब तक उसकी सफाई नहीं होगी तब तक एक मैसेज नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर आप चाइना को देख लीजिए, अब चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं, कम्युनिस्ट रिजीम है, एक पार्टी की सरकार है वहां पर, वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहां पर भी शी जिनपिंग ने, जिनको कोई अपोजिशन से खतरा नहीं, उन्होंने मैसेज देने के लिए, हर चाइनीज को मैसेज देने के लिए
जब करप्शन के खिलाफ हमला बोला तो अपनी सरकार में जो ताकतवर लोग थे, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, उन्हीं की गर्दन पकड़ ली, उनको अरेस्ट किया, कटघरे में खड़ा किया, टेलीविजन पे दिखाया, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी भी गर्दन पकड़ी। तो चाइना कहीं ना कहीं हिलने लगा भीतर से, लोग रिश्वत लेने में डरने लगे। और ये ताजी बात है, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। अब अगर आप हिंदुस्तान देखें, चलिए मनमोहन सिंह की आप सरकार देख लेते हैं। मनमोहन सिंह ने भी, जैसे उनके मंत्री थे पवन बंसल, ये पवन बंसल साहब रेल मिनिस्टर थे, बड़े ताकतवर थे। इनके भांजे या भतीजे किसी ठेकेदार के साथ फंसे हुए थे, सीबीआई की जांच हुई, मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई बंसल जी इस्तीफा देना पड़ेगा। रेल मंत्री, सबसे ताकतवर मंत्री कांग्रेस का, मनमोहन सिंह ने छुट्टी कर दी। अब ये एक और साथ देखिए, सुरेश कलमाडी चाहते तो मनमोहन सिंह इनको बचा लेते, कॉमनवेल्थ गेम्स करा रहे थे, कांग्रेस के एमपी थे, मनमोहन सिंह ने इनको भी जेल भेजा। एक और साथ देखिए अशोक चव्हाण। अब अशोक चव्हाण जो है, ये आदर्श घोटाला का जब मामला आया, ये मुख्यमंत्री थे, इन पर आरोप लगे, और जब आरोप लगे मनमोहन सिंह ने कहा नहीं, हम बचाएंगे नहीं, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को उतारा कुर्सी से, और ये चिंता नहीं करी कि बदनामी क्या होगी। अब जैसे ए राजा है, ए राजा को चाहते तो वो बचा सकते थे, क्योंकि ए राजा दरअसल उस पार्टी के थे जो समर्थन दे रही थी पार्टी मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह के साथ बहुमत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, अपने एक और कैबिनेट मिनिस्टर को जेल भेज दिया। सीबीआई से कहा इनकी जांच करिए, पड़ताल करिए, कागज पत्र मिले, जेल भेज दिए, ये राजा पकड़े गए। लेकिन अगर हम कालखंड देखते हैं इमरजेंसी का, तो इंदिरा गांधी ने अपने गरीबान में झांकने की जगह, वो जो इमरजेंसी के दौर की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने वही चीज करी कि जितने भी विपक्ष थे, किसी पे करप्शन का चार्ज लगा दिया, किसी पे स्मगलिंग का चार्ज लगा दिया, किसी पर मीसा लगा दी, किसी को लॉ एंड ऑर्डर पे बुक कर दिया, पूरे अपोजिशन पे क्रैक डाउन किया। कहीं इंदिरा गांधी ने उसका नाम करप्शन कर दिया, कहीं उसका नाम लॉ एंड ऑर्डर कर दिया। और कमोबेश इंदिरा गांधी की तर्ज पर आपातकाल जैसी जो स्थिति है, और जो आपातकाल में खेल हुआ था, वो खेल कुछ आजकल भी हो रहा है। अब अपोजिशन पर ये क्यों छापेमारी हो रही, इस पर तो मैं आऊंगा, आपको कई कारण भी बताऊंगा, लेकिन बात पहले मोदी सरकार की कर लेते हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या मोदी की जो सरकार है केंद्र में या राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो उत्तराखंड है, वहां भी उनकी सरकार है बीजेपी, असम में भी सरकार है, चलिए असम की बात कर लेते हैं। अब असम में जो साहब मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, एक समय था जब ये कांग्रेस में थे, और तब अमित शाह से लेकर मोदी जी, और मोदी जी से लेकर बीजेपी के हर बड़े नेता जो असम में गए, हेमंत बिस्व शर्मा उन पर आरोप ही आरोप लगाए, यहां तक कि हेमंत बिस्व शर्मा पर एक करप्शन की बुकलेट जारी करी बीजेपी ने। लेकिन बाद में हेमंत शर्मा को बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिया, अपनी पार्टी में ही नहीं लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। और तब जब असम के पत्रकारों ने पूछा अमित शाह से गुवाहाटी में कि भाई ये तो आपने तो उस साहब को, आपने उस नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जिस पर आप करप्शन की बुकलेट लाए थे, ये कौन सी नीति है, ये कौन सी चाणक्य नीति है, तो चाणक्य के पास शब्द नहीं थे, वो सिर्फ मुस्कुराए। चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। बहुत एक लंबी फेरिस्त है, उसमें कई ऐसे मंत्री भी हैं मोदी सरकार में जिन पर करप्शन के चार्जेस थे, जिन्होंने पाला बदला। पश्चिम बंगाल में कई ऐसे नेता थे जो टीएमसी से इसलिए बीजेपी में आए क्योंकि उनके ऊपर कहीं ईडी की रेड चल रही थी, कोई सीबीआई की जांच चल रही थी, और सारे के सारे जो लोग आए उन सबको वॉशिंग मशीन में, निर्मा वॉशिंग पाउडर में धोकर मोदी जी ने और अमित शाह ने एकदम साफ सुथरा कर दिया, सारे दाग मिटा दिए। तो ये हाल है जहां तक बीजेपी सरकार की बात है, जहां तक बीजेपी की पार्टी की बात है, कि अभी तक मोदी जी ने ये जो क्रैकडाउन किया है उसमें किसी भी बीजेपी के नेता को टारगेट नहीं किया। यहां तक कि जो शिवसेना तोड़ी महाराष्ट्र में और जिन लोगों को वो अपने साथ लाए और सरकार बनाई, ज्यादातर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अब दोस्तों देश में जो सीबीआई के छापों का या ईडी के छापों का
ये जो त्यौहार शुरू हुआ है और जो चलता रहेगा, महीनों तक ये त्यौहार चलेगा, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, इसके पीछे सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम एनालाइज करें और निष्पक्षता के साथ निडर होकर अगर हम इसको एनालाइज करें, तो एक चीज समझ में आती है कि ज्यादातर जो की प्लेयर्स हैं अपोजिशन में, जैसे तेजस्वी हैं, तेजस्वी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और बिहार में जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश कुमार ने राजनीति को बदला है, तो बिहार में स्थिति बीजेपी की बहुत कमजोर हो गई है, तो इसलिए तेजस्वी को वहां पर टारगेट किया जा रहा है कि एक अपोजिशन की यूनिटी को तोड़ना, अपोजिशन को डिमोरलाइज करना कि अगर आप भी नीतीश का साथ दोगे तो आपका हश्र तेजस्वी जैसा होगा, लालू जैसा होगा, जो किडनी ट्रांसप्लांट करके आए हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ते, हम राबड़ी देवी को भी नहीं छोड़ते, और हम 20 साल 22 साल का पुराना मुकदमा है उसको भी हम रीओपन कर सकते हैं। ये एक मैसेज है बाकी अपोजिशन जो नीतीश कुमार के आना चाहते हैं, उसमें अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, उसमें आगे चलकर मायावती भी हो सकती है कि अगर आप नीतीश के साथ जाओगे तो तेजस्वी बना देंगे। अब यही चीज अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया के साथ हुई। मनीष सिसोदिया को घेरने के पीछे जो एक मोटिव लगता है वो यही था कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने पंख फैला रही थी और प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी, पंजाब में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया, दिल्ली में बहुत बड़ा झटका दिया, एमसीडी के चुनाव में बहुत बड़ा झटका दिया, और केजरीवाल गुजरात में एक मुसीबत बनते जा रहे थे, 12-13% वोट ले गए वो। एक मैसेज मनीष सिसोदिया के थ्रू आम आदमी पार्टी को भी था कि हैसियत में रहिए, फाइल खोलने में, गिरफ्तार करने में, जेल भेजने में, सलाखों के पीछे डालने में देर नहीं लगती हमको, एक ये मैसेज था। और बाकी अपोजिशन को भी सबसे बड़ा मैसेज तो केसीआर को दिया गया। केसीआर जिनकी बेटी कविता, जिनकी घेराबंदी शुरू है, बार बार इनको ईडी में बुलाया जा रहा है, जेल भेज सकते हैं इनको। अब ये जो महिला है कविता, जो बेटी है केसीआर, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, इनकी बेटी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इनकी बेटी दिल्ली में धीरे धीरे अपने पर फैला रही थी, और जो अपोजिशन के लीडर हैं, चाहे वो अखिलेश हों, तेजस्वी हों, नीतीश हों, केजरीवाल हों, सबके टच में थी और ये सारे अपोजिशन को एक कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट किया गया जो अपोजिशन को एक कर रहे थे, यानी मोदी जी के खिलाफ जो अपोजिशन को स्ट्रांग कर रहे थे, उनके बाजुओं को काटने की कोशिश हुई। तो मैंने बताया आपको कि तीन मकसद मैं बताऊंगी। पहला मकसद मैंने बताया कि अपोजिशन की यूनिटी को तोड़ना, अपोजिशन को डिमोरलाइज करना इन छापों से डरा के। अब एक चीज और कि जब ये छापे पड़ते हैं तो जो नेता, हम ऐसा नहीं कह रहे कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब पाक साफ हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन पर ईडी की जांचें चल रही हैं, जिन पर सीबीआई के केस दर्ज हुए हैं, जैसे हरियाणा में भूपिंदर हुड्डा है उन पर केस हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, बहुत पैसा है, उनकी भी घेराबंदी कहीं ना कहीं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कांग्रेस में हैं, जिनके ऊपर जांच हो सकती है या जिन पर पुराने केसेस हैं फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जाता है कि भाई आप थोड़ा सा उतना ही बोलो जितना एक विपक्ष के नेता को बोलना चाहिए, प्रोएक्टिव मत होइए, ज्यादा छलांग मत लगाइए। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो हैं तो कांग्रेस में लेकिन कहीं ना कहीं उनके तार या तो अमित शाह से जुड़े हैं या मोदी से जुड़े हैं, यानी मोदी और अमित शाह से लोग डरते हैं, लिहाज करते हैं, और बहुत से काम वो ऐसा करते हैं कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं, फायदा ही होता है। तो कुल मिलाकर दो चीजें हैं, तो अपोजिशन की यूनिटी को तोड़ना और वो लोग जो जिन पर मामले हैं उनको एक हद में रखना, सीमा में रखना, तो ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण कि इससे जनता को संदेश क्या दे रहे हैं मोदी जी, मोदी जी मैसेज क्या दे रहे हैं इन छापों से, क्योंकि मोदी जी जो भी काम करते हैं दिमाग में उनके सिर्फ वोट होता है, जनता नहीं, वोट, वोट बैंक। तो इन छापों से क्या मोदी जी को वोट बैंक का भी फायदा है, मैसेज भी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे होंगे तभी छापे पड़ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर टू जो मैंने कहा, जनता को क्या संदेश है। अब ये जो छापे हैं इनसे जनता को मोदी जी ये संदेश दे रहे हैं कि साहब देखिए, हमने जो वादा किया था कि हम करप्ट लोगों को इस देश में जिन्होंने मोटा माल कमाया है, घूस का पैसा है, रिश्वत कमाई, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, मोदी नहीं छोड़ेगा और मैं एक्शन ले रहा हूं। ठीक है, मुझे तो देर हो गई, मुझे कई साल लग गए, लेकिन
मैंने जो वादा आपसे किया था 2014 में, भले ही मैं 2022 में या 23 में उसे पूरा कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ ना वादा। तो एक मैसेज वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ये दे रहे हैं, अपने वोट बैंक को ये दे रहे हैं कि देखिए साहब, हम करप्शन पे काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने पैसा लूटा है देश का, उनको हम जेल में भेजेंगे। दूसरा मैसेज वो ये भी बता रहे हैं कि अगर अपोजिशन इकट्ठा होता है, अगर हाय तौबा मचती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर सड़कों पर अपोजिशन के लीडर कहते हैं कि साहब देखिए, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, यहां पर भी मैसेज दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जनता को ये बता रहे हैं कि भाई जितने चोर हैं सब इकट्ठे हैं और मेरे पीछे हैं, यानी जितने भी हैं ये सब चोर हैं और ये इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि मैं इन पर कार्रवाई कर रहा हूं, मैं इनकी लूट का पैसा वापस लेना चाहता हूं, जब्त करना चाहता हूं, इनको सजा देना चाहता हूं। ये मैसेज जा रहा है। और तीसरा मैसेज, क्योंकि अपने यहां वो रेड नहीं करवा रहे, अपने किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पकड़ रहे, अपने किसी भ्रष्ट नेता की जांच नहीं कर रहे, और अगर जांचें चल भी रही थी, जो बीजेपी के नेता थे या जो पाला बदल के बीजेपी में आए, वो जांचें भी मोदी जी ने साफ करवा दी, ऐसा लोग कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये भी एक मैसेज है कि हमारे यहां जो है वो करप्ट नहीं है, हमारी सरकार ईमानदारी से चल रही है, हमारे मंत्री रिश्वत नहीं लेते, हमारे अफसर रिश्वत नहीं लेते, घूस नहीं लेते, हम पैसा नहीं छूते, हम हरीश चंद्र हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कोई मामला नहीं। तो ये भी एक मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अपना आदमी पकड़ लें तो फिर अपोजिशन कहेंगे देखिए साहब, चोरी तो यहां भी हो रही है। इससे बचने के लिए अपने यहां छापा नहीं। पॉइंट नंबर तीन, ये जो छापे पड़ रहे हैं, ये जो रेड हो रही है, पॉइंट नंबर तीन है फाइनेंशियल पाइपलाइन को तोड़ देना। यानी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको जिस तरह से उनके पास पैसा पहुंचता है या इलेक्शन में उनको जो पैसा चाहिए, उस फाइनेंशियल पाइपलाइन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। और एक मैसेज देना उद्योगपतियों को, कॉरपोरेट हाउसेस को, या जिनके पास पैसा है, जो पैसे वाले लाला हैं, इनको ये मैसेज देना कि अगर तुमने चंदा उधर दिया या इस पार्टी को तुमने अगर फाइनेंस किया तो तुम भी जेल जाओगे। जैसे मनीष सिसोदिया को जिन ठेकेदारों ने कथित रूप से पैसा दिया वो भी जेल जा रहे हैं। यानी जो भी बिजनेस ग्रुप या बिजनेसमैन या पैसे वाला आदमी अगर वो अपोजिशन को चंदा देता है तो उसका हाल भी वही होगा जो नेताओं का हो रहा है। तो एक मैसेज बहुत क्लियर है। और इससे फायदा क्या है कि जब चुनाव में अपोजिशन के पास पैसा ही नहीं होगा, और एक तरफ चाणक्य ने चुनाव इतना महंगा कर दिया है, अरबों खरबों रुपए चुनाव में खर्च किए जा रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स हैं, ईडीआर की रिपोर्ट्स और बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। तो एक तरफ चुनाव महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष की फाइनेंशियल पाइपलाइन को तोड़ दिया जा रहा है। तो ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट कारण इन छापों से है, जिसका बहुत लाभ मिलेगा चुनावी साल में सत्ता पक्ष को। अब मोदी जी की जो सारी कवायद है, ये सारा एक्शन है करप्शन को लेकर, अपोजिशन को टारगेट करना, सीबीआई और ईडी को सक्रिय कर देना, अधिकारियों से कहना कि डरना नहीं दबना नहीं, कहीं ना कहीं वो मार्केट तो कर रही है। बीजेपी उनके इस कैंपेन को, करप्शन के खिलाफ इस कैंपेन को बीजेपी चुनाव में मार्केट कर रही है। जैसे कर्नाटक में चुनाव होने जा रहा है तो एक मैसेज देने की कोशिश है, या बाकी जो चुनाव भी होंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, वहां एक मैसेज दिया जाएगा कि देखिए, हमने करप्शन को खत्म करने का वादा किया था और मोदी जी करप्शन को खत्म करने की लड़ाई को तेज कर रहे हैं, एक मैसेज। लेकिन हो क्या रहा है, इतनी अति हो गई है और एक तरफा कार्रवाई, यानी अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन थ्रेड आपको दिखेगी कि जो अपोजिशन का नेता है उसी घर से भी आई, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, किसी राज्य सरकार में, जो भी अपोजिशन का लीडर है और थोड़ी सी भी हिम्मत रखता है सरकार के मुखालिफ बोलने के लिए, उसी के यहाँ सीबीआई पहुंच रही है, उसी के दरवाजे को ईडी खटखटा रही है, उसी के यहाँ छापा पड़ रहा है। तो इसका असर ये है कि क्योंकि अति हो गई, कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल रही है, एक ऐसी ही सहानुभूति जो इमरजेंसी में अपोजिशन के लीडर्स को मिली थी और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी बहुमत वाली उतर गई थी गद्दी से। तो एक तो सहानुभूति और ये फैक्टर जो सिंपैथी फैक्टर है जनता का, वो मोदी जी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसा बाई इलेक्शंस में जो नतीजे आते हैं, जहां बीजेपी हार रही है, कई इलेक्शंस बाई इलेक्शंस हारी है, बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में, बिहार में,
यूपी में, तो एक सहानुभूति जो है वो जनता की मिल रही। दूसरी चीज, ये जो रेड्स हैं बहुत लेट हैं, मोदी जी को 2014 में करना चाहिए था, 15 में करना चाहिए था, या जब 19 में सरकार आई थी तब करते। अब जब चुनाव का सिर्फ एक साल बचा है और मोदी जी को गद्दी पे बैठे हुए 10 साल होने को आ रहे हैं, तब आपको ये याद आया। सो इट्स टू लेट, एक्शन जो है लेट है। और चुनावी बरस में है, जिस साल चुनाव होने हैं, मतलब 9 राज्यों के चुनाव इस साल हैं और 10-12 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, तो चुनावी बरस में भी ये जो एक्शन है ये भी कहीं ना कहीं इसके बहुत मायने नहीं है। और तीसरी बड़ी चीज, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। सीबीआई और ईडी को जिस तरह से थर्ड अंपायर बना के अपनी जेब में रख लिया है, या यूं कहें कि उनके अधिकारियों को जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दे के आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। अधिकारी कई ऐसे हैं इन एजेंसियों में जो बीजेपी के काडर की तरह काम कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, और मैं ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रिटायर अधिकारी हैं, जो सीबीआई से रिटायर हुए, जो ईडी से रिटायर, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को फायदा कम नुकसान जाता है। बहरहाल इस पूरे एपिसोड पर आप भी रीथिंक कर सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं कि मोदी जी की जो कार्रवाई है, क्या वाकई उनको फायदा मिलेगा, क्या वाकई वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जहां पर ये जो एजेंसियां हैं बहुत निष्पक्ष हैं, कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है, और वाकई भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं मोदी जी। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, या आपकी कोई और राय हो कि आपको लगता हो कि नहीं वाकई नुकसान हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए था या देर से हो रहा है, तो जो भी आप इस एक्शन को लेकर सोचते हैं, मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।